एक छोटे सी गांव में राजेश और माया नाम के गरीब किसान रहते थे। वे दोनों पति पत्नी मिलकर खेती करते थे। राजेश के परिवार में राजेश, उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी काव्या रहते थे। इस साल फसल बेचने पर राजेश को सिर्फ 10,000 रुपये का फायदा होता है। उन 10,000 रुपयों में राजेश को पूरे एक साल का खर्च चलाना था। माया, इस बार फसल में बहुत घाटा हुआ है। इस बार फसल बेचने पर सिर्फ 10,000 रुपये ही मिले हैं। इनमें हम साल भर कैसे रह पाएंगे? समझ नहीं आता है कि इन 10,000 रुपयों में भला क्या हो पाएगा। क्या एक साल का गुजारा हो पाएगा? चावल तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए है, बस सब्जियों की कमी है। इस साल हम सस्ती सब्जियां खरीद कर अपना काम चला लेंगे। हाँ जी, आप सही कहते हो। हम लोग अपना पैसा आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं करेंगे। अब माया अपने सामानों में थोड़ी कमी कर देती है। वे लोग अब हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन ताजी सब्जियां खा पाते थे। एक दिन की बात है, राजेश अपनी पत्नी के पास आकर कहता है, माया, गोभी 2-3 महीनों से बाजार में बिक रही है, इसलिए अब उसका दाम कम हो गया है। मैं आज शाम को बाजार से गोभी लेकर आऊंगा, तुम कल उसकी सब्जी बना देना। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कहते हैं। गोभी की सब्जी खाए कितने महीनों बीत गए हैं। मेरा तो गोभी का सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं नहीं बेटा, गोभी की सब्जी मैं नहीं बना सकती। 30 रुपए की एक गोभी मिलती है, भला ये कम है क्या? इससे अच्छी तो आलू की सब्जी है, सस्ती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आज तो मैं आलू की सब्जी ही बनाऊंगी, फिर कभी दूसरे दिन हम लोग गोभी की सब्जी खाएंगे। ऐसे ही राजेश का परिवार गरीबी में अपना दिन बिता रहा था। एक दिन की बात है, राजेश के घर आज सब्जी बनाने के लिए कोई भी सब्जी घर पर नहीं थी। तब माया अपनी बेटी से कहती है, बेटी काव्या, आज घर पर सब्जी बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं है। मैंने 20 रुपये अपनी अलमारी में रखे हैं, 20 रुपये ले जाकर बाजार से 1 किलो आलू लेते आओ। ठीक है माँ। अच्छा सुनो बेटा, तुम थोड़ा जल्दी आना, अगर पैसे बच जाए तो मेरी अलमारी में रख देना। ठीक है माँ, अब मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर दिव्या बाजार में सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है। जब दिव्या सब्जी खरीदने के लिए जा रही थी, तभी उसकी नज़र एक गोभी बेचने वाले पर पड़ती है। गोभी को देखकर दिव्या अपने मन में सोचती है, क्या 20 रुपये में मैं गोभी खरीद सकती हूँ? मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपये ही हैं। मैं एक बार चलकर जरूर पूछ लेती हूँ, अगर 20 रुपये में गोभी मिल जाएगी तो आज मैं गोभी ही खरीदूंगी। पापा को भी गोभी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, आज मैं गोभी ही खरीदूंगी, बस चलकर दाम पूछ लेती हूँ। ऐसा सोचकर काव्या गोभी बेचने वाले के पास जाती है और उससे कहती है, अंकल, एक गोभी आप कितने में दे रहे हो? बेटा, गोभियाँ बहुत ही सस्ती है, मैं तुम्हें 25 रुपये की एक गोभी दे दूंगा। अंकल, मेरे पास सिर्फ 20 रुपये ही हैं, क्या आप 20 रुपये में मुझे गोभी दे सकते हैं? अच्छा बेटी, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें 20 रुपये का ही दे देता हूँ, ये लो। आज काव्या गोभी खरीद कर बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी अपने घर पर गोभी लेकर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ माँ तुम कहाँ हो? ये देखो मैं 20 रुपये में गोभी लेकर आई हूँ। माँ तुम जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ बेटी, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? माँ ये देखो, आज मैं 20 रुपये में गोभी लेकर आई हूँ, तुम शाम को गोभी की सब्जी बनाना। अच्छा ठीक है बेटा, आज शाम को मैं गोभी की सब्जी ही बनाऊंगी। जब माया रसोई घर में खाना बनाने के लिए जाती है, तब वो अपने सामने गोभी को देखकर कहती है, गोभी की सब्जी कितनी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही गोभी है। अगर मेरे पास 2 गोभी होता तो कितना अच्छा होता। एक गोभी की सब्जी मैं कल सुबह भी बना देती। जैसे ही माया ये शब्द कहती है, उसके सामने एक और गोभी प्रकट हो जाती है। ये देखकर माया बिल्कुल हैरान हो जाती है। तब वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे ये क्या,
ये तो चमत्कार हो गया। काव्या, काव्या के पापा जल्दी से यहाँ आइए, ये देखिए क्या हुआ है। क्या हुआ माया, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? अजी ये देखो, मुझे लगता है ये गोभी जादुई गोभी है। लेकिन आप ये बात कैसे कह सकती हैं माँ, और आपके पास दो गोभी कहाँ से आ गया? हाँ काव्या, मैं यही बात बताना चाहती हूँ, काश मेरे पास 10 गोभी होते तो कितना अच्छा होता। माया के इतना कहते ही उसके सामने 10 गोभी प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर राजेश बिल्कुल हैरान हो जाता है। तब राजेश कहता है, ये तो जादुई गोभी है, अब तो हम लोगों की सारी गरीबी दूर हो गई। जादुई गोभी, तुम मुझे ढेर सारी गोभियाँ दे दो। राजेश के इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारी गोभियाँ प्रकट हो जाती हैं। अब राजेश और उसकी पत्नी माया दोनों गोभियों को बाजार में बेच देते हैं। गोभियों को बेचने से उन दोनों को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वे लोग अपना एक बहुत बड़ा सा घर बनवाते हैं। जादुई गोभी की वजह से अब राजेश का पूरा जीवन ही बदल गया था। अब राजेश का परिवार बहुत अमीर हो गया था। उन लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।